क्या आपको भी एजिंग की प्रॉब्लम है? मीन्स आपकी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके फेस से ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे हैं। आपकी एज अभी 30 या 35 ईयर है, लेकिन फेस से ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एज 50 या 55 के अबव है। या आपके फेस में बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, डार्क सर्कल है, आपके फेस में इस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी हो रही है। देखिए, स्किन को हेल्दी रखना, स्किन को जवान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स ज़रूर डालने रहते हैं। बहुत से तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी एज अभी 20 या 25 ईयर है, लेकिन उनके फेस में बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है। बहुत से आपने होम रेमेडीज़ ट्राई कर ली, बहुत सी एलोपैथिक दवाइयाँ ट्राई कर ली, लेकिन आपको कोई भी असर नहीं हो रहा है। बहुत सी होम रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि हर लोगों के लिए नहीं होती हैं, हर स्किन पे वो सही काम नहीं करती हैं। जैसे मैंने भी एक बार होम रेमेडी ट्राई किया था, एलोवेरा का जेल अपनी स्किन पे, पर मुझे एलोवेरा का जो जेल है बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, क्योंकि उससे मेरे फेस में पिंपल हो गए थे। इसी तरह एलोवेरा का जो जेल होता है सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हर स्किन के लिए एलोवेरा जेल फ़ायदेमंद नहीं होता है। कोई भी होम रेमेडी है वो हर स्किन के लिए नहीं होती है, इसलिए पहले अगर आप उसे ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करने के बाद ज़रूर ये ऑब्जर्व करें कि कहीं उस होम रेमेडीज़ को लेने के बाद आपकी स्किन और ज़्यादा डल तो नहीं हो रही है। इसलिए होम रेमेडीज़ भी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है आपके लिए। एलोपैथिक दवाइयों के तो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि अगर आप उसे लेते भी हैं तो कुछ दिनों बाद एजिंग की प्रॉब्लम और ज़्यादा दिखने लगती है। जब तक आप दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा एजिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यदि आप अपनी स्किन को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, हमेशा जवान रखना चाहते हैं, खूबसूरत रखना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आपकी स्किन में उम्र के प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखें, तो आप हमारी होम्योपैथी की ये दो दवाएं ज़रूर ट्राई करें। बहुत असरदार ये दवा है, अगर आप इन्हें लेते हैं तो आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दो दवाओं से ठीक हो जाएगी। हमने बहुत से पेशेंट को ये दवाएं दी हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारी होम्योपैथिक दवा है वो है बल्वेरिस एक्यूफोलियम का क्यू, बहुत असरदार है। अगर आप बल्वेरिस एक्यूफोलियम लेते हैं तो ये आपकी स्किन में जो डार्क सर्कल हैं, आपकी स्किन में अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो रही है, बूढ़ी सी आपकी स्किन हो रही है, कॉम्प्लेक्शन मीन्स डार्क कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये दवा इन सभी से निजात दिलाने में आपको मदद करती है, उम्र के प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है, स्किन टाइटनिंग का काम करती है। मीन्स बल्वेरिस एक्यूफोलियम आपकी स्किन को हेल्दी रखने में 101% वर्क करती है। इस दवा को आपको एक कॉटन को पहले पानी में डिप कर लेना है, उसे हल्का सा स्क्वीज कर लेना है, मीन्स दबा के निकाल देना है पानी, फिर 10 बूंदें इस दवा की लेकर आपको अपने स्किन में अप्लाई करना है। तो ये आपके स्किन से डार्क सर्कल को दूर करेगी, स्किन को हेल्दी बनाएगी, स्किन में मेलास्मा की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगी, और साथ साथ आपकी स्किन को गोरा बनाएगी, खूबसूरत बनाएगी। देखिए, अगर आपकी स्किन में डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं या डार्क कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप हमारी इस दवा को जो गुलाब जल होता है उसमें लगा के, मीन्स गुलाब जल आप 15 बूंदे ले लीजिए और 10 बूंदे हमारी इस दवा के मीन्स बल्वेरिस एक्यूफोलियम की ले लीजिए, फिर इसे सुबह नहाने से आधा घंटे पहले अपने फेस में अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको डस्ट में नहीं जाना है या गैस के सामने मीन्स हीट में नहीं जाना है, आधे घंटे बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। सेम रात में भी आपको करना है, सोने से आधा घंटे पहले इसे अप्लाई करना है और फिर इस फेस को वॉश कर देना है।
आप देखेंगे कि 15 दिन में आपकी जो स्किन है हेल्दी हो जाती है। आप बहुत से महंगे महंगे फेशियल कराते हैं या बहुत सी होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए, होम रेमेडीज तो हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जो फेशियल होता है ये आपके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि केमिकल से बनते हैं बहुत से फेशियल, और जो केमिकल फेशियल होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो आप इन दवा को अगर लगाते हैं तो इसके सबसे पहले कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपकी स्किन को बहुत जल्दी गोरा बनाती है। देखिए बहुत ज़्यादा गोरा तो नहीं करती है, लेकिन जो डार्क कॉम्प्लेक्शन आपकी स्किन में आ गए हैं उसको दूर करती है, जिससे आपकी स्किन साफ़ सुथरी दिखने लगती है, हेल्दी दिखने लगती है। ऑयली स्किन अगर आपको है तो ये दवा आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये ऑयली स्किन को दूर करती है, पिंपल को दूर करती है, पिंपल से होने वाले जो दाग हैं, मुहासे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन खराब दिखने लगी है उसको भी दूर करने में मदद करती है, खूबसूरत स्किन बनाती है। तो बल्वेरिस एक्विफोलियम आप इस तरह यूज़ करिए जैसे हमने बताया, और इसे सुबह एक बार खाली पेट 10 से 12 बूंदे आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके लेना भी है। मीन्स आपको इंटरनल भी यूज़ करना है और एक्सटर्नल भी यूज़ करना है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगी। देन हमारी सेकेंड होम्योपैथिक दवा है जिंको बायलोमा। इसकी पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये भी बहुत असरदार दवा है, और खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम रहती है, या बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं और हमेशा किसी बात की टेंशन लेते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो फेस है बहुत ज़्यादा डल दिखने लगा है, बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण उनको उनका स्किन बूढ़ी दिखने लगी है, या एजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उनको दिखने लगी है, डार्क कलर के स्पॉट्स उनके स्किन में दिखने लगे हैं, मेलास्मा की दिक्कत हो रही है, और ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मींस स्किन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइटनिंग नहीं है, बिल्कुल भी स्किन में ग्लो नहीं है, तो आप हमारी ये दवा ज़रूर यूज़ करें। ये दवा आपको लेने से आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, मीन्स डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो कम होता है, आपकी स्किन वाइट होती है, मीन्स वाइटनिंग को बढ़ाने का काम करती है ये दवा, साथ साथ आपकी स्किन में ग्लो लाने का काम करती है। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अगर दाग धब्बे हैं उसको भी दूर करने में मदद करती है, साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस से भी दूर रखती हैं। मींस अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, ये दवा लेने से आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, मींस हैप्पी मूड को डेवलप करने में मदद करती है। बहुत असरदार दवा है। आप ये दोनों ही दवा को टाइम टू टाइम अगर लेते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जिंगो बायलोमा जो दवा है, इस दवा को आपको सुबह खाली पेट 12 से 15 बूंदे आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लेना है, आप इसके रिजल्ट खुद देख सकेंगे। मेंटली स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा असरदार है। आपको मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो भी आप इस दवा को ले सकते हैं। ये दोनों ही दवा हमारी होम्योपैथिक की बहुत असरदार दवा है। एक बार आप लेकर देखिए, स्किन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है इन दवाओं की कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वेल प्रूव्ड हैं, बहुत से पेशेंट में यूज़ हैं। आप गूगल में भी जाकर इसके रिव्यू देख सकते हैं, ये आपको 5 रेटिंग of 5 इसके रिव्यू मिलेंगे। बहुत असरदार दवा है ये दवा। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी। ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, 225 रुपये की एक ये दवा मिलती है, किसी शॉप में 220 रुपये की भी मिलती है, और बर्बेरिस जो एक्विफोलियम है वो 110 रुपये की दवा मिलती है। ये दवा 220 और 110 दोनों ही दवाओं को आपको लेना है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और केवल आप 1 से 1.5 महीने इसे यूज़ कर लीजिए, स्किन आपकी हेल्दी हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आपको कोई भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफलाइन आपके आसपास को
कोई होम्योपैथिक शॉप हो उसमें भी इजीली मिल जाएगी। तो आप इन दवाओं को लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी जो स्किन है इसमें कब से एजिंग की प्रॉब्लम दिख रही है और आपने क्या कोई होम रेमेडीज ट्राई की है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस दवा के बारे में जानना है, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि मैम आप इस दवा के बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे पास एक कमेंट्स आया था, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया गया है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा उनकी स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी दवा बताएं। तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो ही बना देते हैं, प्रॉपर वीडियो, उस पे आपको कैसी दवा लेनी है सब चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस वीडियो को देखकर दवा ले सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में इसलिए हम कह रहे हैं बताने को ताकि आपके रिक्वेस्ट पे आपकी वीडियो हम बना सकें ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।